बांस का ट्रक। चांदपुर में राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता चांदपुर की फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। राजू बहुत शरारती था। वो हमेशा कुछ ना कुछ खुराफाती हरकत किया करता था। एक बार राजू ने अपने पिताजी को शेविंग करते हुए देखा और वो उनकी शेविंग क्रीम को अपने ब्रश में लगाकर उससे ब्रश करने लगा। जब उसके मुंह से झाग निकलने लगी तो वो रोते रोते अपनी माँ के पास गया। माँ माँ देखो ना मुझे क्या हुआ। राजू की माँ उसके मुंह से झाग निकलते हुए देखकर डर गई। अरे अरे राजू, ये क्या मुसीबत बोल ले ली तूने? ये क्यों झाग निकल रहा है? कुछ बताएगा या यूं ही रोता रहेगा? हाँ, राजू ने जब अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ ने उसकी खूब डांट लगाई। राजू चांदपुर के स्कूल में पढ़ता था। उसी स्कूल में चंदू नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। इसके पिताजी फैक्ट्री में मैनेजर थे। चंदू दिल का बहुत अच्छा था। वो अपने खिलौने के साथ सभी बच्चों के साथ मिलकर खेला करता था। ये देखकर राजू चंदू से बहुत जलता था। आ गया अपने खिलौने लेकर, अब सभी बच्चों उसके साथ खेलेंगे। पता नहीं किस बात का घमंड दिखाता है यहाँ पर ये चंदू। एक दिन चंदू अपना एक खिलौना बड़ा ट्रक लेकर आया। उसे देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और चंदू से ट्रक खेलने के लिए मांगने लगे। चंदू चंदू, हमें भी अपने ट्रक के साथ खेलने दो ना, हमें भी इसमें बिठाओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ हम सब बैठकर इसमें खेलते हैं। और सभी बच्चे मिलजुल कर चंदू के ट्रक के साथ खेलने लगते हैं। लेकिन राजू अपनी आदत के अनुसार उससे चिढ़ गया और कहने लगा, मेरे पास तो इससे भी अच्छा ट्रक है। सभी बच्चों ने राजू से कहा, तो ठीक है कल अपना ट्रक लेकर आना। राजू ने घर आकर अपनी पुरानी साइकिल पर अपने आंगन में पड़े बांस से एक ट्रक की बॉडी बना ली और उसे अपनी साइकिल पर फिट कर दिया। देखने में तो वो एक बांस का ट्रक लग रहा था, लेकिन वो मजबूत नहीं था। अगले दिन वो उसके अंदर बैठकर सभी बच्चों को दिखाने के लिए ले आया। सभी बच्चों ने राजू की कारीगरी की तारीफ की। अपनी तारीफ सुनकर राजू को घमंड आ गया और उसने चंदू को अपने ट्रक के साथ रेस लगाने के लिए कहा और चंदू और राजू दोनों के ट्रकों की रेस शुरू हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद चंदू का ट्रक आगे निकल गया, लेकिन राजू का बांस का ट्रक उसके साइकिल के ऊपर से खुलकर पूरी तरह बिखर गया और जो बाकी रह गया वो थी चंदू की पुरानी साइकिल। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगे। राजू की हालत देखो, अरे इसका चेहरा तो देखो कैसे लाल हो गया है, सारी मेहनत बर्बाद हो गई राजू। तब चंदू ने राजू को समझाया, राजू हम सब मिलकर खेलते हैं, तभी तो मैं सारे खिलौने यहाँ सबके लिए लाता हूँ। चलो आओ तुम भी हमारे साथ खेलो ना, हम सब दोस्त हैं, हमें मिलकर खेलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए मेरे दोस्त। अब राजू समझ चुका था कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। एक गांव में जगन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। जगन का बांस का कारोबार था। वो गांव से शहर में एक फैक्ट्री में बांस की सप्लाई किया करता था। उस फैक्ट्री में बांस से तरह तरह की चीजें बना करती थी, लेकिन जगन को बांस के बहुत ही कम पैसे मिला करते थे। जगन चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े ऑफिसर बने, ना कि उसकी तरह बांस का कारोबार करें। इसीलिए उसने अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा था। लेकिन उसके बड़े बेटे सोनू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह तो बस बांस के तरह तरह के खिलौने बनाता रहता था। जगन उससे बहुत नाराज था। सोनू, आज फिर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर तुम्हारी शिकायत की। इस बार भी तुम्हारी क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि बांस की चीजें बनाना छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो। समय के साथ साथ सोनू बड़ा हो गया, लेकिन उसका बांस की चीजें बनाने का शौक नहीं गया। वो अब बांस की बड़ी बड़ी चीजें बनाने लगा, जैसे बांस के बड़े अच्छे खिलौने, बांस का फर्नीचर, मेज, कुर्सी इत्यादि। सारी दुनिया में महामारी फैलने के कारण देश में लॉकडाउन लग जाता है और शहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाती है और उनका काफी नुकसान होता है। वो काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये महामारी ना जाने कब खत्म होगी। इधर घर में और गांव में बांस के ढेर लगते जा रहे हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कमला, मुझे अपनी नहीं तुम्हारे इस निकम्मे बेटे की फिक्र है। अगर ऐसा रहा तो कारोबार बंद करना पड़ेगा, इसका ना जाने क्या होगा। यह सुनकर सोनू कहता है, पापा पापा, मैंने आपकी समस्या का हल निकाल लिया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सोनू अपने माँ बाप को उनके बांस के गोदाम में लेकर जाता है। वहाँ उसके माता पिता देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ बांस की कई तरह की मेज, कुर्सी और फर्नीचर बनाकर रखा था।
और वो भी बिल्कुल जैसे शहर की फैक्ट्री में बनते थे। सोनू अपने पापा से कहता है, पिताजी देखिए मैंने कितना अच्छा फर्नीचर बनाया है, अब आप बांस का फर्नीचर बनाकर शहर में क्यों नहीं बेचते। जगन को अपने बेटे का आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो अपने बेटे से कहता है, लेकिन बेटा इस काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा और मजदूर कहाँ से आएंगे और लॉकडाउन में हम सामान कैसे बेचेंगे। पिताजी आप फिक्र ना करें, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैंने गांव के कुछ लोगों को बांस का फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग दी है और आजकल तो सरकार नया काम करने के लिए खूब लोन भी दे रही है। और बिक्री की तो आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, लॉकडाउन में हम ऑनलाइन अपना फर्नीचर बेचेंगे। जगन अपने बेटे सोनू को ये काम करने की इजाज़त दे देता है और खुद भी उसके साथ मिलकर बांस का फर्नीचर बनाने लगता है। देखते ही देखते उनका काम चल निकलता है और अब वो शहर में बांस बेचने के बजाय गांव में ही बांस का फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री लगा लेते हैं और उनका बनाया फर्नीचर शहर ले जाकर बेचने लगते हैं। अच्छा और सस्ता होने के कारण लोग उनके फर्नीचर को हाथों हाथ खरीद लेते हैं और ऑनलाइन भी उनका फर्नीचर खूब बिकता है। चंदनपुर गांव में राम और सलीम नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों गांव में एक साथ ही घूमा करते थे, स्कूल पढ़ने इकट्ठे जाया करते थे और शाम को एक साथ ही खेला करते थे। जब लोग अपने बच्चों को झगड़ते हुए देखते तो लोग उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे, अबे बिट्टू देख ले लड़ता ही रहता है हमेशा, तेरा कोई दोस्त भी नहीं बनता। राम और सलीम को देख ले, कितने अलग अलग हैं दोनों के परिवार, लेकिन फिर भी दोनों में कितनी अच्छी दोस्ती है। दोनों हमारे गांव में एकता की मिसाल हैं, सीखो कुछ उनसे। एक ही क्लास में पढ़ने के कारण भी दोनों में कभी पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए झगड़ा नहीं होता था। कई बार तो स्कूल के टीचर भी परेशान हो जाते थे कि वो दोनों में से किसको अव्वल लाएं। प्रिंसिपल साहब बड़ी दिक्कत की बात है, ये देखिए राम और सलीम दोनों के नंबर बराबर हैं, अब बताइए हम क्या करें। अरे करना क्या है मिश्रा जी, दोनों को अव्वल ले आइए, दोनों को फर्स्ट शो कर दीजिए। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास इतने दो होनहार बच्चे हैं। राम बहुत अच्छे मिट्टी के खिलौने और मिट्टी की चीज़ें बनाया करता था और सलीम बांस की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करता था। सलीम देख मैंने कितना अच्छा मिट्टी का खिलौना बनाया है। वाह राम तुमने तो बहुत अच्छा बनाया, देखो देखो मैंने भी बांस का बनाया है। अरे वाह ये तो बिल्कुल मेरे खिलौने जैसा है। क्यों ना हो, हम दोनों दोस्त जो हैं यार। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को बांस और मिट्टी का हैंडपंप बनाने के लिए कहा गया और जो उसमें अव्वल आएगा उसे 1,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की गई। राम और सलीम दोनों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोची। प्रतियोगिता वाले दिन सभी बच्चे बांस और मिट्टी का हैंडपंप बनाने की तैयारी करके आए और सभी बच्चों ने प्रतियोगिता जीतने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे हैंडपंप बनाए, लेकिन सभी बच्चे बांस और मिट्टी दोनों का एक ही हैंडपंप बनाने की कोशिश कर रहे थे और इधर राम और सलीम दोनों ने अलग अलग दो हैंडपंप बनाए। जल विभाग के मुख्य अधिकारी उस दिन उस प्रतियोगिता में जज बनकर आए थे। जब उन्होंने सभी बच्चों के बनाए हैंडपंप देखे तो उन्होंने सभी बच्चों की तारीफ की, लेकिन सबसे अधिक तारीफ उन्होंने राम और सलीम के बनाए अलग अलग मिट्टी और बांस के हैंडपंप की। अरे वाह ये दोनों हैंडपंप किसने बनाए हैं प्रिंसिपल साहब? सर ये हमारे दो होनहार बच्चे हैं राम और सलीम, मैं इन दोनों बच्चों को इनाम देना चाहता हूँ। मैं जैसा बांस और मिट्टी का हैंडपंप चाहता था इन दोनों बच्चों ने वैसा ही बनाया है। राम और सलीम को बुलाया जाता है और जल विभाग के मुख्य अधिकारी उन दोनों को अव्वल घोषित करते हैं और दोनों को 1,000 रुपये के इनाम के साथ ही दोनों के घरों में हैंडपंप मुफ्त लगाने की भी घोषणा की जाती है। हैंडपंप लगने की बात सुनकर दोनों बच्चों के परिवार वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि बांस और मिट्टी के हैंडपंप की वजह से उन लोगों की पानी की समस्या दूर जो हो गई थी। ये कहानी कुछ साल पहले की थी। लालापुर करके एक गांव था, वह गांव के लोग बहुत ही गरीब थे, कोई भी उस गांव में आता जाता नहीं था। उसी गांव का रहने वाला था कुणाल। कुणाल जंगल से
लकड़ी और बांस लाकर उसे कुर्सियां, सोफा और खाट जैसे वस्तु बनाता था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। यार, मुझे कई दिनों से आपको एक बात बोलनी थी। हमारे गांव में कई सालों से कुछ तरक्की नहीं है, जैसे कि वैसे ही रह गई है। कोई भी आता जाता नहीं है। हमें किसी भी तरह लालापुर को लंदन जैसा बनाना है। अरे क्या बेकार की बातें कर रहे हो यार, लालापुर और लंदन कभी भी नहीं हो सकती। आराम से रोज की काम करो, पैसे लाओ और दारू पी के सो जाओ। क्या फालतू बातें कर रहा है। उनके दोस्त ऐसे बोलने से कुणाल नाराज हो जाता है, लेकिन उस रात को जब वह सो गया तभी उसको नींद में एक सपना आती है। उस सपने में एक देवता की आवाज सुनाई देती है। कुणाल, ध्यान से सुनो, तुम एक अच्छे लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बोलना चाहती हूँ। इस गांव के बाजू में ही एक नदी है। उस नदी के बीचों बीच एक टापू भी है। उस टापू में जाकर कहीं भी खोदो तो तुम्हें सोना ही सोना मिलेगा। तुम उस सोने के साथ इस गांव को लंदन जैसा बना सकते हो, लेकिन वहां तक जाने का इंतजाम तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर देवता गायब हो जाती है और कुणाल नींद से उठ जाता है। सुबह उनके दोस्तों को इकट्ठा करके सपने की बात बोलता है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं किया सिवाय रुपेश के। यार कुणाल, चलो चलते हैं वहां पर, लेकिन उस टापू तक जाने के लिए हमें एक ब्रिज की जरूरत होगी। तुम चिंता मत करो यार, मैं बांध से ऐसा पाइप ब्रिज बनाऊंगा ताकि हम आसानी से नदी के उस पार उस टापू तक जा सकें। ऐसा कुणाल और रुपेश मिलकर नदी के ऊपर एक बड़ा बांस का पाइप ब्रिज बना देते हैं। यार रुपेश, अभी हम एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर को लेके जाएंगे, चलो। ऐसा ही उस बांस की पाइप ब्रिज में से एक ट्रैक्टर और जेसीबी को लेकर उस टापू तक जाते हैं और वहां पर जेसीबी के साथ खोदना शुरू करते हैं। थोड़े देर के बाद ही अंदर से ढेर सारा सोना बाहर आया। जैसे ही सपने में बोला ऐसा ही हुआ। तुरंत सारे सोने को ट्रैक्टर में भरकर गांव में लेके आते हैं और सारे गांव वालों को बुलाकर बांटते हैं। आओ गांव वालों, आज से हमारा गांव लालापुर नहीं लंदन बन गया है। मैं आज से ही जो कुछ भी सोना बचा है उसे बेचकर बड़ी बड़ी इमारतें, ब्रिज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल सब कुछ बनवा दूंगा। ऐसा कुणाल की जादुई सपना और बांस की पाइप ब्रिज से लालापुर लंदन जैसा बन जाता है। जादुई बांस का पुल। भीमापुर शहर के सामने नदी के पार बसा एक छोटा सा गांव था। भीमापुर के लोगों को हर छोटे बड़े काम के लिए शहर आना पड़ता था। वहां के बच्चे भी रोज पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में आया करते थे, लेकिन उन लोगों की एक ही समस्या थी कि नदी पर कोई पुल नहीं था। इस बात का फायदा एक इंसान उठाया करता था, वो था राकेश नाव वाला। क्योंकि भीमापुर से शहर आने जाने के लिए केवल राकेश की ही नावें चला करती थी। राकेश बहुत लालची था, वो दिन पर दिन अपनी नाव का किराया बढ़ाता रहता था। उसकी इस हरकत से सभी गांव वाले परेशान थे। एक दिन जब आदमी अपने काम पर जाने लगे और बच्चे स्कूल के लिए जाने लगे तो राकेश ने उनसे कहा, हाँ भाइयों, दोस्तों, बच्चों, सुन लो अच्छी तरह से, आज से नाव का किराया बढ़ गया है। 1 रुपए की जगह 2 रुपए लगेगा। क्या कह रहे हो राकेश तुम, अभी पिछले हफ्ते तो तुमने किराया बढ़ाया था। हाँ अंकल, ये तो गलत है, हम बच्चों का तो कुछ ख्याल रखिए। अरे बच्चों, अपना ख्याल करने के लिए अपने अम्मा अब्बा से कहो, हमसे बहस मत करो, किराया है तो बैठो नहीं तो जाओ। सभी लोगों को मजबूरी में उसकी नाव में सवारी करके शहर जाना पड़ा। सालों साल से ऐसा ही होता रहता था, लेकिन एक दिन सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए कि एक सरकारी ट्रक काफी संख्या में बांस नदी के किनारे उतार रहा था। लोग इससे पहले कुछ समझ पाते तभी वहां पर राकेश के रिश्तेदार मंत्री जी की गाड़ी आई और उन्होंने उतरकर कहा, गांव वालों,
अब हम तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाले हैं। जल्द ही इस नदी पर एक बांस का पक्का पुल बन जाएगा। बस लेकिन आने वाले इलेक्शन में वोट मुझे ही डालना। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। पुल बन जाएगा तो अच्छा ही होगा। हाँ हाँ मंत्री जी, हम वोट आपको ही डालेंगे। आप पुल तो बनवाइए। सभी लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद राकेश अपने रिश्तेदार मंत्री से आकर पूछता है, अरे भैया ये क्या है, पुल बना दोगे तो हमारी कैसे चलेगी? अरे राकेश परेशान क्यों होते हो, ये तो सिर्फ चुनाव तक का दिखावा है। एक बार जीत जाने दो, फिर काहे का पुल, कैसा पुल? उन दोनों की बातें वहाँ खड़ा चिंटू सुन लेता है और वो ये सुनकर बहुत दुखी होता है। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। तभी नदी में से जलपरी निकल कर आती है। चिंटू जलपरी को सारी बात बताता है। चिंटू की बात सुनकर जलपरी कहती है, चिंटू तुम चिंता मत करो, बस देखते जाओ हम जलपरियां मिलकर कैसे रातों रात पक्का पुल बना देती हैं। हम भी इस नाव के इंजन से परेशान हैं, इसी के कारण हम घायल हो चुके हैं कई बार। क्या सच ऐसा हो सकता है जलपरी? हाँ हाँ चिंटू, क्यों नहीं, तुम बस देखते जाओ। ऐसा कहकर जलपरी पानी में वापस जाती है और थोड़ी देर में अपने सभी साथियों को लेकर बाहर आती है। और सभी जलपरियां देखते ही देखते नदी पर बांस का एक पक्का पुल बना देती हैं। यह देखकर चिंटू खुश हो जाता है और वो जलपरी का धन्यवाद करता है। जलपरियां मुस्कुराती हुई फिर से नदी में गायब हो जाती हैं। सुबह जब सभी गांव वाले उठते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि नदी पर तो एक पक्का बांस का पुल बन गया था। तभी चिंटू आकर सभी गांव वालों को रात की जलपरी वाली बात बताता है। सभी लोग नदी किनारे हाथ जोड़कर जलपरियों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जलपरियों ने जादुई बांस का पुल बनाकर लोगों की समस्या का समाधान जो किया था। बांस का ऑटो। चमनलाल चंदन नगर में ऑटो चलाता था। वो बहुत ही ईमानदार था। वो कभी किसी सवारी से नाजायज पैसे नहीं लेता था और बहुत ही ईमानदारी से अपनी गुजर बसर कर रहा था। चंदन नगर के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। सभी लोगों को उस पर विश्वास था। माता पिता भी अपने बच्चों को उसी के ऑटो में स्कूल भेजा करते थे। अरे बहन जी, हम यहाँ पर नए आए हैं, क्या कोई ऑटो वाला है जिसके साथ मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूँ? क्या आप किसी को जानती हैं? अरे बहन जी आप चिंता मत करिए, चमन लाल ऑटो वाला है, मेरे बच्चे भी उसी के ऑटो में जाते हैं। मैं उसे कह दूंगी, वो आ जाएगा। हम सबको चमन लाल पर बहुत भरोसा है, आप निश्चिंत होकर अपने बच्चे उसके साथ भेज सकती हैं। चमन लाल बहुत ही सावधानी से अपना ऑटो चलाता था। उसका काम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अचानक एक दिन रात को जब वो सवारी छोड़कर घर वापस आ रहा था, तभी एक कार ने उसके ऑटो को टक्कर मार दी और चमन लाल का ऑटो पलट गया। वो ऑटो में अकेला था। उसने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। कार वाला उसे टक्कर मारकर भाग गया। किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसका ऑटो टूट गया। ये देखकर चमनलाल बहुत दुखी हुआ। हे भगवान, तूने मुझे किन पापों की सजा दी है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, अब मैं क्या करूँगा? मैंने तो सारे पैसे अपनी बिटिया की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिए हैं, अब मैं क्या करूंगा, कैसे नया ऑटो बनाऊंगा? वो एक क्रेन द्वारा अपने ऑटो को उठाकर अपने घर के आंगन में रख देता है। अगले दिन सुबह वो दुखी मन से अपने ऑटो को देख रहा था और सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। लेकिन अचानक तभी आंगन में उगे बांस देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने अपने औजार उठाए और ऑटो की बॉडी बांस से बनाने लगा, क्योंकि ऑटो की मशीनरी तो बिल्कुल ठीक थी। ये देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे अरे क्या शोर मचा रखा है, हे भगवान, भला बांस का भी कोई ऑटो बनता है? क्या ठोक पीट सुबह सुबह लगा दी तुमने, ये एक्सीडेंट के बाद तो लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब हो चुका है। तुम देख लेना चंपा रानी, मैं बांस का एक ऐसा ऑटो बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। चमन लाल की मेहनत रंग लाई। उसने अपने ऑटो पर बांस की एक बहुत अच्छी बॉडी बना दी और उसका ऑटो फिर से सड़क पर चलने लगा। सभी लोग बांस का ऑटो देखकर हैरान हो रहे थे और उसकी सवारियां दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थीं।
और चमनलाल को सभी बांस वाले ऑटो वाले के नाम से जानने लगे। और इस तरह चमनलाल की एक तरकीब ने उसकी किस्मत के रास्ते खोल दिए। सुनहरे बांस का हैंडपंप। रामू डूंगरपुर गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर था। वो पास के जंगल से बांस काट कर लाता और अपनी पत्नी कमला के साथ मिलकर बांस की बड़ी ही खूबसूरत चीज़ें बनाया करता था, जैसे कि बांस के खिलौने, बांस का फर्नीचर, बांस की कुर्सियां, और उन्हें पास के शहर में जाकर दुकान में बेच दिया करता था। उसके बनाए बांस के खिलौने और फर्नीचर की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ भे रामू, आज क्या लाए हो? सेठ जी, आज मैं बांस की कुर्सियाँ और मेज लाया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा वो बांस का बना हुआ सोफा बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में, अगली बार तुम सोफा बना कर लाना, बहुत डिमांड है उसकी। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी कुछ पैसे? हाँ हाँ, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा। और ये लो, कुछ पैसे रख लो खर्चे पानी के लिए। अरे कमला कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ, ये नए साड़ी, ये गहने। अजी, आज क्या हमारी लॉटरी लगी है? अरे नहीं कमला, लॉटरी नहीं, आज सेठ जी ने इनाम दिया है हमें। मैं कहती हूँ कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखो जी। हाँ हाँ ठीक है कमला, मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अभी तो तुम ये मिठाई खाओ और नई साड़ी पहनो। रामू और कमला बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण दुकानें बंद होने लगी, बाजार बंद होने लगे और लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया। इसकी वजह से रामू और उसकी बीवी का काम भी कम हो गया, वे दोनों भी अपने गांव में ही बंद कर रह गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर लोगों के लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रामू ने जब बाहर जाकर देखा तो पानी के हैंडपम्प के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे। वे लोग गाँव के सरपंच से शिकायत कर रहे थे। सरपंच जी देखिए, फिर से पानी गंदा आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ भाइयों, मैं इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ। रामू ने जब बाहर जाकर बात जाननी चाही तो उसे पता चला कि गांव के जितने भी हैंडपंप हैं उनकी सारी पाइपें गल चुकी हैं और सभी में गंदा पानी आ रहा है। और सरपंच ने बताया कि वे पानी की पाइपें बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं, कुछ ही समय में लोहे की पाइपें जंग लगकर गल जाती हैं। सरपंच की बात सुनकर रामू को एक आइडिया आया और रामू ने गांव वालों के आगे बांस का हैंडपंप बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें पाइपें भी बांस की लगाने के लिए कहा। गांव वालों को रामू का आइडिया पसंद आया और रामू ने एक पानी का हैंडपंप पूरा बांस का तैयार किया और उसमें पाइपें भी बांस की लगाई। और जब लोगों ने उस हैंडपंप से पानी खींच कर पिया तो पानी बहुत ही मीठा आने लगा, क्योंकि वो बांस था, उसमें जंग भी नहीं लगा। और इस तरह रामू का बांस का हैंडपंप बनाने का आइडिया फेमस हो गया। अब उनके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी बांस का हैंडपंप बनाने लगे और रामू ने मौके में अवसर की तलाश की और उसका काम चल निकला। और इस तरह ये बांस का हैंडपंप रामू के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ और वे दोनों पति पत्नी फिर से खुशहाली से रहने लगे। बबलू कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। पढ़ाई ना होने के कारण उसको अच्छी नौकरी नहीं मिली। वह छोटे मोटे काम करके अपने पिताजी और माँ का ख्याल रखता था। वह सुबह से दोपहर तक एक होटल में काम करता था और दोपहर से रात तक एक दुकान में काम करता था। उसके गांव में एक नदी भी थी जो बहुत जोर से बहती थी। एक दिन वह गांव के नदी के पास आया और कुछ मछुआरों को बातें करते हुए देखा। अरे भाई, इस नदी में तो बड़े बड़े मछलियां हैं, सोने के जैसे मछलियां, लेकिन अफसोस की बात है, इस नदी की तेजी से कारण हम मछलियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो भी नदी में गया उसका नाव पलटकर मछुआरे डूबकर मर रहे हैं। हाँ भाई, अगर कोई इसका हल निकालेगा तो उनका हम बहुत आभारी रहेंगे। कुछ दिन के बाद जब सारे मछुआरे उनकी समस्या के साथ जब गांव के मुखिया के पास गए तो मुखिया ऐसा घोषणा करता है। सुनो सुनो गांव वालों, मैं एक प्रतियोगिता रख रहा हूँ, जो भी इन मछुआरों के समस्या का हल निकालेगा उसको सारे गांव के सामने सम्मान किया जाएगा और 5 लाख का इनाम भी दिया जाएगा।
बोलो है कोई ऐसा करके दिखाने वाला? तभी बबलू ने हाथ उठाया और बोला, मुखिया जी मुझे 10 दिन की टाइम दीजिए, मैं उसका हल निकालूंगा। बबलू की बात सुनकर सभी गांव के लोग हंसते हैं। क्या तुम अनपढ़ गवार इसका हल निकालेगा? चल हट निकले यहाँ से। ऐसा बोलते ही बबलू वहां से चला जाता है, लेकिन तुरंत काम पे लग जाता है। ऐसा वह कई किताब पढ़ने शुरू करता है। उसके पास जो कुछ भी बचा है उन पैसों से कुछ मशीन, मोटर और बांस खरीद कर लाता है। देखते ही देखते एक ही हफ्ते में वह उस नदी के किनारे के पास बांस का बनाया हुआ एक बड़ा व्हील बनाता है। उसको मोटर से एक बांस की ट्रैक की तरह बना देता है और मुखिया के पास जाकर ऐसा बोला, मुखिया जी मैंने जैसा बोला वैसा ही किया, आप आकर उस जाल को देख सकते हैं। तभी सारे मछुआरे, मुखिया और गांव के लोग वहां पर आते हैं और उस मशीन को देखकर चौंक जाते हैं। तभी बबलू जाकर उस मशीन को चलाया है। तभी देखते ही देखते जब बांस का व्हील घूमने लगा, बड़े बड़े बहुत सारे मछलियां आकर उस जाल में गिरने लगे। उन्हें देखकर मछुआरे बहुत खुश हो जाते हैं। वाह बबलू वाह, तूने तो कमाल कर दिया, हमारे सालों के इंतजार खत्म कर दिया है। तभी मुखिया ने जैसा बोला बबलू को 5 लाख दिया और सारे गांव के सामने सम्मान भी किया। सारे गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं कि एक अनपढ़ ने बहुत बड़े समस्या का हल निकाला। सोनपुर में माधव नाम का एक बिजनेसमैन रहता था। उसके कई शहरों में होटल और रिजॉर्ट थे, लेकिन वो काफी घमंडी और चालाक था। एक दिन डिस्कवरी चैनल देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तुरंत ही अपने मैनेजर केशव को बुलाया और उससे कहा, अरे केशव आओ देखो मुझे अभी एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है। कैसा आइडिया आया है सर? भाई देखो हमारे कई शहरों में होटल और रिजॉर्ट हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम जंगल के बीचों बीच भी एक रिजॉर्ट बनाएं, जहाँ पे लोगों को जंगल सफारी के लिए लेकर जाएं। अरे वाह सर ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी इस पर रिसर्च करें ताकि जंगली जानवरों के व्यवहार के बारे में पता लग सके और वहाँ पे एक सुरक्षित घर बनाने के बारे में भी। तो ठीक है सर हम कल से ही रिसर्च शुरू कर देते हैं, आप बताइए करना क्या है। भाई करना क्या है, किसी एक आदमी को पकड़ो और उसे जंगल में अकेला छोड़ दो ताकि पता तो चले कि वो जंगल में अपना बचाव कैसे करता है। ठीक है सर मैं कल ही किसी आदमी को देखता हूँ। केशव जैसे ही कंपनी के ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तभी उसे सड़क पर एक आदमी भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर केशव के मन में एक आइडिया आया। अरे बात सुनना क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम रामू है साहब, बहुत भूख लगी है साहब, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है साहब। हाँ हाँ ठीक है घबराओ मत, आओ मेरे साथ चलो। केशव उसे लेकर एक होटल में गया और उसने उसे काफी अच्छा खाना खिलाया और केशव ने रामू से कहा कि अब उसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे एक काम पर रख रहा है। केशव उसे अपने साथ लेकर जंगल के बीचों बीच आ गया। साहब यहाँ क्या काम करना है? अरे कुछ नहीं, ये जगह हमारे सेठ जी ने खरीदी है, बस यहाँ साफ सफाई का काम करना है और मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाया करूँगा। लेकिन केशव बड़ी ही चालाकी से रामू को उस जंगल के बीच में छोड़कर चला जाता है। रामू वहाँ बैठा बैठा इंतजार करता है। रात होते ही तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती है। रामू जानवरों की आवाजें सुनकर डर जाता है। अरे अरे मैं कहाँ फंस गया, हे भगवान अब मैं क्या करूँ? मैं उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता हूँ वहाँ तो जानवर नहीं आ सकेंगे। रामू पास ही एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है। रात होते ही वहाँ पर तरह तरह के जंगली जानवर घूमने लगते हैं, शेर भालू आदि। लेकिन क्योंकि रामू पेड़ के ऊपर चढ़ गया था इसलिए उसकी जान बच जाती है। और अगले दिन सुबह होते ही रामू जंगल में आसपास देखता है और वो थोड़ी सी बांस इकट्ठी करके पेड़ के ऊपर एक घर बना लेता है। वो पास की नदी से पानी भर कर लाता है और जंगल में उगने वाले फल फूल खाकर अपनी जान बचाता है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन एक शिकारी शिकार करता हुआ जंगल के बीचों बीच आ जाता है और वो पेड़ की ऊंचाई पर बना बांस का घर देखकर हैरान रह जाता है। जैसे ही वो शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है तभी उसे वहां रामू मिलता है। रामू उसे सारी बात बताता है। रामू की बात सुनकर शिकारी को एक आइडिया आता है।
और वो रामू की मदद से कई बांस के और घर बना देता है और लोगों को जंगल सफारी के लिए घुमाने लाता है। इस तरह शिकारी और रामू का काम चल निकलता है और रामू का बांस का बनाया बचाव घर अब बांस के होटलों में बदल चुका था। लोग वहां पर घूमने आते हैं और बांस की ऊंचाई पर बने घरों में रहकर जंगल का आनंद लेते हैं और इस तरह रामू का एक आइडिया उसकी जिंदगी बदल देता है। इसीलिए कहते हैं हमें मुसीबत के समय में संयम से काम लेना चाहिए।